तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या 3-on-1 हैंडीकैप मैच हमें देखने को मिल सकता है क्या एलिमिनेशन चैम्बर 2020 में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। तो सारी कुछ बात करेंगे वीडियो में डिटेल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये मतलब पूरी रिवेलिटी नहीं देखी, उन लोगों को प्रॉब्लम आया कि ये मैच कैसे सेट हो गया, तो फ्रेंड्स मैं बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ, और जो लोग देख भी चुके हैं वो स्किप करके आगे देख लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि 2 वीक्स पहले हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में एक सिंफनी ऑफ डिस्ट्रक्शन मैच देखने को मिलता है। एक तरफ रहते हैं एलायंस ब्रॉन स्टोमैन, और दूसरे तरफ रहते हैं सिंस्के नाकामुरा और सीजारो। और इस मैच में तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, कि इस मैच में सिंस्के नाकामुरा का मतलब सर में थोड़ी इंजरी आ जाती है, उनको 9 स्टेपल्स पड़ते हैं। जो इस वीक वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हुआ था उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया या ये बोली कि मतलब एक हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है। एक तरफ रहते हैं ब्रॉन स्टोमैन, दूसरी तरफ रहते हैं सिंस्के नाकामुरा, सीजारो और सेमी ज़ेन। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि सिंस्के नाकामुरा करे और ब्रॉन स्टोमैन, लेकिन सेमी ज़ेन या ये बोली कि एकदम ग्रेट लिबरेटर, वो क्या करते हैं कि पहले खुद तो साइन करते हैं, फिर उसको सिंस्के नाकामुरा से भी साइन करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर सीजारो से भी साइन करवा लेते हैं। और उसके बाद ये मैच ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि हमें 3-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर 2020 फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स आप इमेजिन कीजिए कि एक तरफ होंगे मॉन्स्टर जो कि एकदम भूखा रहेगा कि कैसे इनसे तो मारना है, और एक तरफ रहेंगे ये इल्टू छिल्टू मतलब छोटे मोटे जो भी सुपरस्टार है ये रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मतलब क्या होता है। मुझे तो जहाँ तक चांस लगता है कि इस मैच को और कहीं बल्कि ब्रॉन स्टोमैन जीत जाएंगे और रिटेन कर लेंगे अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो इसलिए मतलब टीम को मतलब ज़्यादा क्वालिटी में या ये बोली कि ज़्यादा क्वांटिटी में इन लोगों को रख रही है, कि ब्रॉन स्टोमैन तो तगड़े सुपरस्टार हैं, उनकी बॉलीवुड इससे तो आप देखते ही हैं, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 3-on-1 हैंडीकैप मैच करवा दिया एलिमिनेशन चैम्बर 2020 में। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रो रेसलिंग सेटिंग सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। तो फाइनली बाय फ्रेंड्स।